हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। जब आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हो तो एक चीज़ जो आपकी शॉपिंग लिस्ट में ज़रूर होती है वो है एक टैल्कम पाउडर, क्योंकि हम बड़े हुए हैं, खुद भी पाउडर लगा के, अपने बड़ों को भी पाउडर लगाते हुए देख के, तो हम वो ज़रूर ज़रूर लेते हैं अपने बेबीज़ के लिए। बट क्या टैल्कम पाउडर यूज़ करना सेफ़ है? ये क्वेश्चन हमसे बहुत लोग भी पूछते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी लगा इस टॉपिक पर एक वीडियो करना। आइए इसका आंसर जानते हैं इस वीडियो में। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। मैं कैसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ टैल्कम पाउडर के सब बहुत ही फ़ैन रहे हैं। पिंक कलर का पॉन्ड्स का बहुत अच्छा टैल्कम पाउडर आता था जो हम लोग यूज़ करते थे। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग सब टैल्कम पाउडर यूज़ करते थे और बहुत अच्छा फील होता था, ठंडा ठंडा लगता था। मतलब गर्मियों में रैशेज वगैरह बिल्कुल नहीं होते थे, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती थी, तो बहुत अच्छा सा फीलिंग आता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा बेबी होगा तो एक चीज़ तो डेफिनेटली जो मुझे लेना ही है वो है टैल्कम पाउडर। तो उसी सोच के साथ मैंने जॉनसन बेबी के तीन टैल्कम पाउडर के बड़े बड़े डब्बे खरीद के रख लिए। बट मैं बहुत सरप्राइज हुई जब मैं अपनी पीडियाट्रिशियन के साथ जनरल बेबी केयर डिस्कस कर रही थी, तो एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, वो है पाउडर लगाना बेबी के ऊपर, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। बट जब उन्होंने मुझे रीज़न्स बताए तो मुझे काफ़ी शॉकिंग बट लॉजिकल लगा कि इन रीज़न्स की वजह से पाउडर्स बिल्कुल बेबी पे क्या, बड़ों पे भी यूज़ नहीं होने चाहिए। और दूसरा, उसके बाद उन चीज़ों ने मुझे सोचने में मजबूर किया कि क्या मुझे जेन्युइनली पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत है। तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आजकल डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं पाउडर यूज़ करने के लिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि काफ़ी रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि पाउडर की वजह से बच्चों में बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली जब जो बेबीज़ प्री मैच्योर होते हैं या अगर उनको कोई हार्ट डिसीज़ है या उनको पैदा होते ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है, तो उनको ये सब रेस्पिरेटरी इलनेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों में ये भी देखा गया है कि ये लंग कैंसर तक में रिजल्ट कर जाता है, इस पर काफ़ी स्टडी हुई है अभी पीछे। इस वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप पाउडर बिल्कुल ना लगाएं। और ऐसा क्यों होता है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, आप जब भी पाउडर लगाते हैं, हम ऐसे ऐसे करके शेक करके पाउडर को लगाते हैं, बहुत तेज़ पाउडर को लगाते हैं, और पाउडर क्या होता है, सिर्फ बॉडी पे जितना रहना है वो रह जाता है, उसके अलावा उड़ के सारा हवा में मिल जाता है। वो ही हवा जो है, जब वो बेबी, एक बेबी जिसका सारा का सारा बॉडी का जो सिस्टम है, सारे उसके ऑर्गन्स हैं, जो डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, आप सोचिए कितने वीक होते हैं जब एक बेबी पैदा होता है, जब वो एयर, वो बेबी ब्रीथ करता है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 जाके उसके जो एयरवेज़ हैं, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी चेस्ट है, उसकी लंग्स है, उसको जाके ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लगातार वो पाउडर यूज़ करते रहते हैं, तो इन सब पार्टिकल्स जो जाके ब्लॉक कर रहे हैं आपके बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो जाके डैमेज कॉज करना शुरू कर देते हैं। और वो डैमेज इतना ज़्यादा हो सकता है कि बेबीज़ को सफोकेशन हो सकती है, बेबी को बड़ी बड़ी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं, लंग कैंसर बहुत ही एक्सट्रीम केस है, बट ये भी देखा गया है होते हुए। तो ये बेसिकली जो तरीका है पाउडर लगाने का, वो इतना हार्मफुल है कि उसकी वजह से बेबीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला। दूसरा जो रीज़न है वो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए है। काफ़ी ऐसी अभी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये निकल के आया है कि गर्ल्स के जो जेनिटल एरिया होता है, जब वहाँ पे रेगुलरली पाउडर लगाया गया तो 40% चांसेस ओवेरियन कैंसर के बढ़ गए उन गर्ल्स में, या उन विमेन में, उन लेडीज़ में जो रेगुलरली टैल्कम पाउडर्स यूज़ कर रहे थे अपने जेनिटल एरिया में। तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए भी बोला जाता है कि आप बिल्कुल अपने जेनिटल एरिया में टैल्कम पाउडर नहीं यूज़ करें। तो ये दो रीज़न्स सुन के मुझे काफ़ी मतलब मैं काफ़ी डर गई थी कि मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि मेरे को टैल्कम पाउडर यूज़ करना, मुझे काफ़ी लॉजिकल लगा बिकॉज पाउडर लगाने का तरीका भी यही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे एक स्टेप बैक लिया और मैंने ये सोचा कि मैंने ये पाउडर ख़रीदा क्यों है, ये मेरे क्या पर्पज़ सॉल्व करेगा और क्या मुझे जेन्युइनली उन सारे पर्पज़ का कोई और सॉल्यूशन नहीं मिल सकता कि मुझे पाउडर ही लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि पाउडर जो है एक कूलिंग एजेंट है, तो क्या है कि ठंडा ठंडा लगता है, तो डाइपर एरिया में हम काफ़ी लगाते हैं, हमने देखा है कि भाई डाइपर चेंज करने से पहले पाउडर लगा दो,
तो मैंने सोचा कि ये काम तो कोकोनट ऑयल भी करता है, कोकोनट ऑयल भी बिल्कुल ठंडक देता है, डायपर एरिया को रैश होने से बचाता है। दूसरा, डायपर रैश क्रीम्स जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो कोई भी रैश होने से बॉडी पे बचाता है, वो भी यही काम करता है। तो उस टाइम पे जब हमने बट पेस्ट ख़रीदा तो हमने देखा कि हमें पाउडर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बट पेस्ट वही काम कर रहा है स्किन के ऊपर जो शायद पाउडर करता, वही कूलिंग, वही एक लेयरिंग प्रोवाइड कर रहा है जो एक पाउडर करता। तो वहाँ पर मेरी पाउडर की पहली रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। दूसरा, मुझे लगा कि पाउडर हम यूज़ करते थे क्योंकि एक अच्छी सी, मतलब एक खुशबू सी आती रहती है बॉडी से, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो उस पर मैंने सोचा कि मतलब 6 महीने से पहले तो बच्चों को कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट, कोई भी खुशबू के प्रोडक्ट्स लगाने ही नहीं चाहिए, तो 6 महीने से पहले मुझे उस प्रॉब्लम के लिए पाउडर की ज़रूरत नहीं है। और 6 महीने के बाद इतने अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशंस आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं जिसमें बच्चों के कपड़ों से भी अच्छी अच्छी स्मेल आती है, मैं वो यूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे पाउडर की रियली क्या ज़रूरत है। तो ये मेरी सेकेंड भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तीसरा, मैंने ये सोचा कि पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हीट रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं गर्मी की वजह से, वो ना हो, क्योंकि बच्चों को स्वेटिंग होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि स्वेटिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चों के स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो धीरे 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 जैसे जैसे उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है वो ग्लैंड्स भी बन रहे होते हैं। पाउडर लगा के मैं एक्चुअल में उनके पोर्स को ब्लॉक कर रही हूँ और जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको जाके मैं कट कर रही हूँ या उसको मैं रोक रही हूँ। तो मुझे ये करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। जब बेबी को स्वेटिंग हो रही है तो उसके हिसाब से मुझे उसके कपड़े एडजस्ट करने चाहिए, मुझे रूम का टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहिए, मुझे पाउडर की क्या ज़रूरत है। तो ये जो तीन मेरे रीजंस थे जिसकी वजह से शायद मुझे पाउडर की ज़रूरत थी, वो तीनों रीजंस ख़त्म हो गए और मेरे जो ड्रॉर है उसमें से पाउडर बिल्कुल हट गया और मैं बिल्कुल पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि कभी भी आपको रेयरली भी पाउडर लगाने की ज़रूरत है, तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप पाउडर लगाएं और वो ही सिर्फ सेफ वे है पाउडर को लगाने का, उसके अलावा बिल्कुल ना लगाएं। अब वो टेक्निक क्या है? जब आपको पाउडर लगाना है तो आप बेबी से बहुत दूर चले जाएं, हो सके तो दूसरे कमरे में चले जाएं, एक कपड़ा ले लें, उस कपड़े पे बिल्कुल धीरे से पाउडर को डाल लें, थोड़ा पाउडर डालें, बेबीज़ को बहुत पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा डाल लें, कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लें, बेबी के पास आके, समझ लीजिए आप आर्मपिट में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल पास आके हल्के से उसी कपड़े को ऐसे करके बेबी के ऊपर लगा दें। मतलब इतना अपने ध्यान से ये करना है कि बेबी के बिल्कुल मुँह के पास या हवा में भी आसपास पाउडर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, कपड़े से सीधा बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। यही सिर्फ एक सेफ तरीका है पाउडर लगाने का। बट फिर से मैं बोलूँगी कि कोशिश करें कि पाउडर से बेबी को दूर रहें। अगर आपके पास अभी भी कोई ऐसा रीज़न है जिससे आपको पाउडर लगाना पड़ रहा है तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है हमने वो ना सोचा और हम उसका आपको कोई आंसर दे सकें। तो ये था एक सिंपल सा व्यू ऑन पाउडर्स जो मुझे लगा बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ इसका डैमेज बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पाउडर लगाया और प्रॉब्लम कल हो जाएगी, प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ती जाती है और वो प्रॉब्लम हमने अपने बच्चों के साथ होने नहीं देनी है। यही पूरा पर्पस है मॉमकॉम इंडिया का। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें और शेयर करें जितना हो सके, आपकी जितनी भी मतलब फ्रेंड्स हो विमेन के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं, ये लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे केसेस भी चल रहे हैं जहाँ पे लेडीज़ को ओवेरियन कैंसर की वजह से वो पाउडर कंपनीज को सू कर रही हैं, बिकॉज़ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि पाउडर एक मेजर रीज़न था उनके ये होने का। तो लेडीज़ के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। मॉमकॉम इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।